तो फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी नया फ़ोन परचेस करते हो तो सबसे पहले आप उस फ़ोन का कैमरा चेक करते हो, उसका सेल्फी कैमरा कैसा है, बैक कैमरा कैसा है, कितने मेगापिक्सल का है, सब कुछ जो कैमरा सबसे पहले आप चेक करते हो, फिर उस फ़ोन को जो है परचेस करने का सोचते हो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले OnePlus Nord CE2 वर्सेस Samsung Galaxy A52s। तो फ्रेंड्स, आप भी इन दोनों में से कोई एक फ़ोन परचेस करना चाहते हो स्पेशली कैमरे के लिए, तो ये फुल वीडियो कैमरा कंपेरिजन करने वाले, इनडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज़ और वीडियोज़ मैंने क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बिट्स, तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे पास Samsung Galaxy A52s और OnePlus Nord CE2। तो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे Samsung Galaxy A52s की, तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, प्लस 12 मेगापिक्सल, प्लस 5 मेगापिक्सल, प्लस 5 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पे इस OnePlus Nord CE2 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy A52s के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस, बात करते हैं यहाँ पे OnePlus Nord CE2 की, तो यहाँ पे आपको एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जैसे इस दोनों फ़ोन का आप कैमरा ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, तो इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने कुछ फोटोज़ एंड वीडियोस क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हो, मैंने इसी OnePlus Nord CE2 और इसी Samsung Galaxy A52s के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक फोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी इस तरीके से देखने को मिल जाती है। और एक बात दोस्तों, कि OnePlus Nord CE2 के अंदर आप बुके इफेक्ट वाला वीडियो जो क्लिक कर पाओगे, और ये फीचर Samsung के अंदर नहीं है। तो गाइस, इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। Oh,
दोस्तों अभी जो अपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे मैंने इसी OnePlus Nord Z2 और इसी Samsung Galaxy A52s के फ्रंट और रियर कैमरा को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली Samsung Galaxy A52s का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। वैसे प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो OnePlus Nord Z2 का कैमरा क्वालिटी इतनी भी खराब नहीं है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक फोन आप परचेज करना चाहते हो तो दोनों में से कोई भी एक परचेज कर सकते हो, आपको डे टू लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली मेरे ख्याल से। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।